हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सम प्रोडक्ट के लिए हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट। मैथ्स ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मूला या यूज की बात करें, इट रिटर्न्स द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एरे कंपोनेंट्स। मीन्स बहुत सारी बार हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं और कैलकुलेशन करके उनका सम हमें चेक करना है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग उन चीजों को एक सिंगल फॉर्मूले से कंप्लीट कर सकते हैं कि उसमें उन दोनों सेल्स की कैलकुलेशन भी हो जाएगी या उन दोनों एरेज की कैलकुलेशन मींस प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और सम भी टोटल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला इसका इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम एरे वन, एरे टू, ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है हमारे। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, लाइक सम प्रोडक्ट रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज और एरेज। बहुत सारी रेंज है, उनकी रेंज की कैलकुलेशंस करके और उनका सम रिटर्न कर देगा। और एरे वन, एरे टू, जो हम लोग 2 to 255 एरेज तक हम लोग इस तरीके से हर एरेज में रख सकते हैं। ठीक है, जिनकी कैलकुलेशंस और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो इस तरीके से नंबर ऑफ एरेज बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। सपोज ये तीन एरेज हम लोगों ने यहाँ पर ली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट इनपुट नहीं, केवल और केवल एरेज वाला मेथड ही काम करेगा। सपोज मेरे को एरे वन और एरे टू, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन करनी है और कैलकुलेशन का टोटल चेक करना है, तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज करेंगे। सम प्रोडक्ट एरे वन हम लोगों ने इस तरीके से सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉमा एरे टू, देखिए मैंने सेलेक्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, हिट एंटर, तो इसने इन दोनों की कैलकुलेशन कर दी। हर एरे की मीन्स 1 into 4, 2 into 5, 5 into 6, 8 into 7, 2 into 4 और 3 into 1, और ये हम लोगों को इस तरीके से रिटर्न कर दिया कि क्या रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो 1 and 2 एरे की। सेकंड में हम लोग और प्रैक्टिस एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर करते हैं। सम प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड एरे की, सेकंड एरे और थर्ड एरे की मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने की, तो इस तरीके से इसने 4 into 8, 5 into 7, 6 into 10, 7 into, इन सब की मल्टीप्लीकेशन की आपस में और उनका जो टोटल है वो टोटल हम लोगों को रिटर्न कर दिया। थर्ड में देखते हैं, सम प्रोडक्ट फर्स्ट की और थर्ड की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सपोज फर्स्ट एरे को सेलेक्ट किया हम लोगों ने और थर्ड एरे को सेलेक्ट किया, पैरेंथेसिस को क्लोज किया, हिट एंड, तो 124 आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक और थोड़ा सा इसमें टेक्निकल समझते हैं कि हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। 1 और 4 की आपस में करनी है और 4 और 8 की आपस में करनी है, तब हमारी कैलकुलेशन क्या होगी। देखिए सम प्रोडक्ट, तो हम लोग कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 और 4 ये एरे एक हमने बनाया। यहां पर समझिए कि हमने 1 to 4 मीन्स एरे 1 और एरे 2 की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कॉमा लगाया और फिर हम लोगों ने एरे 2 और एरे 3 इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो इसने इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन रिटर्न कर दी। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है। अब इसको डिफरेंस समझिए, मैं अगर 1 into 2 into 3 एरे की आपस में मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो हमारा रिप्लाई क्या होगा वो चेक कीजिए। सबसे पहले हम 1 एरे को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो
देन सेकंड एरे और देन थर्ड एरे, पैरेंथेसिस क्लोज इट। तब देखिए 1 × 4 × 8, ठीक है, जो सम आएगा इस तरीके से ये सम को कैलकुलेट करता जा रहा है और आपस में फाइनल सम हम लोगों को रिटर्न में करके दे दिया है। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इसमें एरे हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर हमने एरे इक्वल नहीं लिए हैं तो हमारा रिप्लाई गलत हो जाएगा, वैल्यू एरर रिटर्न शो कर देगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग इसको समझते हैं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सपोज मैंने एरे वन को सेलेक्ट किया और एरे वन को मैंने ले लिया D15 सेल तक, ठीक है, और सेकेंड एरे को लिया मैंने सपोज E14 सेल तक, इसने वैल्यू रिटर्न, मींस एरे शुड बी इक्वल। इवन अगर जीरो भी है यहां पर, ब्लैंक भी है, तो हम लोगों को अगर इसको चेक करना है तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि जहां पर E14 सेल है E15 सेल हमें लेना पड़ेगा, हमारा सम ओके हो जाएगा। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना जरूरी है कि एरे बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से हम दोबारा देखते हैं, तीन एरे की मल्टीप्लीकेशन, सम प्रोडक्ट, एरे वन, एरे टू और एरे थ्री। यहां पर ये देखिए, जबकि जी ए सेल्स ब्लैंक है डाउन के, बट क्योंकि मैंने रेंज में सेलेक्ट किए हैं तो उसने रेंज में आपस में मल्टीप्लीकेशन करके जीरो ऐड करते हुए हम लोगों को 712 712 ही रिटर्न कर दिया। तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि इवन ब्लैंक है तो हम लोगों की रेंज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए जिस भी एरे को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर इक्वल नहीं है तो वैल्यू एरर शो कर देगा। तो यह था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।